कासगंज के निजामपुर कोतवाली में होने वाली दलित युवती शीतल की शादी में नया पेंच फंस गया है। पहले तो शीतल के मंगेतर ने निजामपुर में अपनी बारात चढ़ाने की प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिस पर मोहनपुरा चौकी इंचार्ज ने दलित की बारात गांव में चढ़ाए जाने से अप्रिय घटना की आशंका जताई थी, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने सहयोग की बात कही थी। लेकिन घटना के बाद जब प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि युवती अभी 18 साल की नहीं है। ये उसके शैक्षणिक दस्तावेजों से साफ हुआ है। इस बात की पुष्टि SDM काजगन को भेज के कराई जा रही है। यदि लड़की की उम्र ही कम हुई तो शादी वैसे भी रुक जाएगी, शादी नहीं होगी। और यदि एज उसकी सही हुई, या तो जैसे परंपरागत रूप से पहले शादियाँ होती रही हैं वैसे करेंगे, या नई परंपरा डालना भी चाहते हैं तो सीधे रूट जिस पर कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं है, उससे ही ये अपना कार्यक्रम भी करेंगे। सर, जो एज का प्रूफ मिला है वो किस व्याप पे आप लोगों को पता चला है कि एज कम है? लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं बताई गई है, वो कक्षा 5 की जो TC है उसकी स्कॉलर रजिस्टर जो होता है, स्कॉलर रजिस्टर में उसकी एज जो है उसके हिसाब से वो 18 साल के भी नहीं हो रही है। तो इसको पुष्ट करने के लिए मैं SDM को मौके भेज रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे निर्णय लेंगे। वहीं लड़की के नाबालिग होने से इस शादी में नया विवाद पैदा हो गया है। तो वर पक्ष का कहना है कि लड़की तो बालिग है, लेकिन दस्तावेजों में उसकी आयु कम है और 3 महीने बाद शीतल 18 साल की होगी। अब देखना होगा कि इस मामले में दोनों पक्ष क्या रुख अपनाते हैं। कासगंज से विवेक राय, पंजाब केसरी TV।